बात याद रखना, इस धरती पर आए हो कुछ मिले या ना मिले, बड़ी बड़ी डिग्रियां मिल पाए या ना मिल पाए, बहुत दौलत मिल पाए या ना मिल पाए, शोहरत या इज्जत मिल पाए या ना मिल पाए, इस दुनिया में आए हो कुछ मिले या ना मिले, मौत जरूर मिलेगी, मरना जरूर होगा, कोई नहीं बचा पाएगा मृत्यु से तुमको, मृत्यु जरूर आएगी तुम्हारे पास, राजा हो रंग हो सन्यासी हो चेला हो, मरना सबको पड़ेगा, ध्यान रखना। थोड़ी सी उपलब्धि क्या हो जाती है, आदमी ऐसे जीता है कि हमें तो दुनिया में कोई है ही नहीं। ध्यान रखिए, अपनी बुलंदियों पर इतना नाच मत करो, हमने तो आसमान से सितारों को गिरते देखा है। ध्यान रखिए, किस पर अकड़ता है आदमी, किसके लिए लड़ता है, किसके लिए अदालत जाता है आदमी, मिट्टी की ठीकरों से प्यार करता है। कुछ मिले या ना मिले, मौत जरूर मिलेगी तुमको इस धरती पर। तुम जिंदगी में सफल हो पाओ या ना हो पाओ, मौत एक दिन सफलता जरूर अर्जित करेगी। जिंदगी भर का जो कमाया है ना, सब धरा रह जाएगा, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। किसके लिए आदमी इतनी भाग दौड़ में लगा हुआ है। आज मृत्यु के बोध प्राप्त करिए। आज यहाँ बैठ करके मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गांधी की आत्मकथा पढ़ो या ना पढ़ो, बरनी जी की आत्मकथा पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आदमी को अपने जीवन की आत्मकथा जरूर पढ़ना चाहिए। जो बीत गया उसके लिए क्या खुशियां मनाना, अरे नादानों जो बीत गया उसकी खुशियां मत मनाओ, जो बाकी है उसका स्वागत करने की तैयारियां करिए, जो आने वाली है उसका स्वागत करिए, जो मृत्यु तुम्हारे निकट आएगी उसका सत्कार करिए। अरे मौत को सुधारो तो जिंदगी ना सुधरेगी, ध्यान रखना, जिंदगी को सुधारो तो मौत अपने आप सुधर जाया करती है। मौत से कौन घबराता है, किसे भय होता है मौत से, अरे वो बच्चा स्कूल जाने से डरता है जो होमवर्क नहीं करता है। ध्यान रखिए, इनकम टैक्स ऑफिसर जब भी आता है ना, उन्हीं की दुकानों की शटर गिरती है जिनके बही खाते सही नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, अरे जो बही खाते सही रखते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर के आने पर वो घबराते नहीं हैं, वही लोग घबराते हैं। जिनके बही खाते गलत होते हैं मौत से वही लोग डरते हैं, जिनके जिंदगी के हिसाब किताब गलत हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, अरे मौत आए उससे पहले जिंदगी के हिसाब किताब सही कर लीजिए, मृत्यु आए उससे पहले अपने जीवन के वही खाते संभाल लो। मैं मौत से नहीं डरता, मौत कल की आने वाली आज आ जाए, इसी वक्त आ जाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि मौत मेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगी, मैंने अपने जिंदगी के वही खाते बिल्कुल सही रखे हैं। ध्यान रखिए, ऐसा जीवन बनाओ कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जैसी पवित्र मिली वैसी ही चादर सौंप दी कबीर ने जाकर के। ध्यान रखिए, क्या सोचते, घबराहट तभी होगी जब जिंदगी गड़बड़ होगी। जो गलत तरीके से जिंदगी जीते हैं वो मृत्यु से घबराया करते हैं, उन्हें परेशानी हुआ करती है, उन्हें ऐसा लगता है जो नंबर दो और बेईमानी से धन कमाया है ना, मौत आएगी और छीन लेगी फिर मेरा। अरे मिट्टी के ठीकरे कमा करके बड़े आदमी बनते हो, आओ संत के पास बैठो। अरे मिट्टी के रुपए पैसे क्या कमाना, आओ पुण्य की पूंजी कमाओ और हर जन्म में धनपति बनकर के खड़े हो जाओ, हर जन्म में जीवन तुम्हारा धन्य हो जाओ। ऐसा धन कमाओ अपने जीवन में कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं कोई चोर ना लेवे, दिन दिन रहत बढ़ायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। ऐसी दौलत कमा के जाओ इस दुनिया से कि मौत जब आए तो तुम्हें मार ना सके, मौत जब भी आए तो तुम्हें प्रणाम करके चली जाए। ध्यान मार, क्या जीवन है तुम्हारा, किस लिए जीते हो, जितने भी लोग बैठे हैं एक दिन धू धू करके चिता में चल जाए, कोई नहीं बचेगा,
जीवन का चरित्र क्या है? बड़ा बदरंग चरित्र है हमारी जिंदगी का। सोमवार को पैदा होते हैं, मंगलवार को बड़े हो जाते हैं, बुधवार को विवाह कर लेते हैं, गुरुवार को बच्चे हो जाते हैं, शुक्रवार को बीमार पड़ जाते हो, शनिवार को अस्पताल चले जाते हो और रविवार को दुनिया से। तेरे सातों दिन बेकार, विचार करिए क्या किया आपने जीवन में, सातों बार बेकार कर दिए। ये चरित्र जिंदगी का बड़ा भद्दा चरित्र हुआ करता है, ये जिंदगी बड़ी भद्दी जिंदगी हुआ करती है। एक बच्चा स्कूल जा रहा था, मैंने बच्चे से पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले स्कूल जा रहा हूँ। मैंने कहा स्कूल क्यों जाते हो? बोले पढ़ने के लिए जाता हूँ। मैंने पूछा पढ़ते क्यों हो? बोले कुछ बनने के लिए पढ़ता हूँ। मैंने कहा बनते क्यों हो? बोले कुछ कमाने के लिए। मैंने कहा कमाते क्यों हो? बच्चा बोला खाने के लिए। मैंने कहा खाते क्यों हो? तो बोला जीने के लिए। जब मैंने बच्चे से पूछा कि बताओ जीते क्यों हो, तो बच्चे के पास कोई उत्तर नहीं था। और वही मैं आपसे कहता हूं कि बच्चा तो छोड़ो, यदि तुमसे पूछा जाए कि तुम जीते क्यों हो, तो शायद इसका उत्तर तुम्हारे पास नहीं होगा। मौत पूछेगी बताओ दो हाथ दिए थे तुमने क्या किया? मौत पूछेगी दो पैर दिए थे तुमने क्या किया? तुम्हें दो आंखें दी थी बताओ तुमने क्या किया है? तुम्हें सोचने समझने का एक मन और बुद्धि दी थी बताओ तुमने क्या किया है इसका? मान्यवर, मौत आए उससे पहले उत्तर तैयार रखना, वरना मौत बार बार दुनिया में भेजी। जो यहां से गया पूरा करके वो यहां बार बार आया है। ध्यान रखिए, जीवन को सुधारो, जीवन को संभालने का प्रयास करो। रास्ते में एक्सीडेंट हुए कुत्ते को देखना, जिसे गाड़ी रौंदते हुए चली जाती है, आंतें कहीं पड़ी रहती हैं, शरीर कहीं पड़ा रहता है। मान्यवर, यही जिंदगी की औकात हुआ करती है। घर से चला मुसाफिर, मन में यही अरमान थे, एक तरफ बस्ती थी दूसरी तरफ शमशान थे, पैर हड्डी पर पड़ा तो हड्डी के ये बयान थे कि संभल कर चल मुसाफिर, हम भी कभी इंसान थे। ध्यान रखिए, इतनी अकड़ के मत जी। एक संत थे, वो प्रवचन करते थे, कोई भी धर्म ग्रंथ सामने नहीं रखते थे। जब भी प्रवचन करते थे, एक मानव की खोपड़ी अपने सामने रखते थे। लोगों को लगा यार ये तो बड़ा अशुभ है, ये मानव की खोपड़ी रख के प्रवचन करते हैं। लोग बड़े परेशान हो गए, पूछा कि संत जी ये खोपड़ी रख के प्रवचन मत किया करो। संत ने कहा मैं खोपड़ी रख के ही प्रवचन करता हूं, होंगे वो भाषणबाज लोग जो खोपड़ी से करते हैं, मैं तो खोपड़ी सामने रख देता हूं। मैं जो कुछ भी बोलता हूं तो हृदय से बोला करता हूं, अनुभव से बोला करता हूं, जिंदगी से बोला करता हूं। मैं अनुभव से प्रवचन करता हूं, मैं हृदय से प्रवचन करता हूं, खोपड़ी से नहीं करता हूं। बोले फिर भी इसे रखते क्यों हो? बोले मैं इसलिए रखता हूं, जब जब इस खोपड़ी को देखता हूं तो मुझे मेरी जिंदगी की औकात पता चलती है। तुम्हें मालूम है ये खोपड़ी किसकी है? लोगों ने कहा हमें तो नहीं मालूम है किसकी खोपड़ी है। बोले यहाँ के सबसे बड़े सम्राट की ये खोपड़ी है। और जब मैं देखता हूं कि बड़े बड़े सम्राटों का ये हाल है, तो आप और हम तो मामूली से लोग हुआ करते हैं। बड़े बड़े सम्राटों का ये हाल हो गया, वह खोपड़ी बन गए। अरे जिसके चरणों में हजारों माथे झुकते थे, आज वो लोगों के पैरों की ठोकर खाते घूम रही है।